And we have looked at uh, these four uh, churches up to Theatira. <laughs> and uh, today we shall look at the church in Sardis. <laughs> the common theme uh, of all of these churches is almost the same. और जो समान इनका शीर्षक है वो एक जैसा है द लॉर्ड रिवील्स फ्रॉम होम दीज लेटर्स वर रिटन टू दीज चर्चेस और प्रभु प्रकाशन देते हैं कि इन कलिसियाओं को

और आज जो पांचवा भाग है वो है बिना किसी गलती के रहना लिविंग विद होलीनेस टू द लॉर्ड। पवित्रता से प्रभु के प्रति जीवन बिताना। लिविंग विदाउट स्पॉइलिंग और स्टेनिंग द रोब ऑफ राइचनेस एंड द क्रिश्चियन दैट गॉड हैज गिवन है और जो प्रभु ने हमको धार्मिकता का वस्त्र दिया है उसमें किसी भी प्रकार का धब्बा ना लगने दें ऐसा जीवन बिताएं दिस इज वॉट

and to the angel of the church in sardis write this sardis <clears throat> angel means a messenger the leader uh, who were responsible in the church in sardis or hai. The um, the angels of the church were in the hands of Jesus Christ. और जो दूत कलिसियाओं के हैं वो मसीष के हाथों में हैं। An angel, the word angel used for the leaders of the church. और जो दूत शब्द है वो कलीसिया के अगुओं के लिए इस्तेमाल किया मींस दे हैव नथिंग ऑफ देयर ओन इसका मतलब यह है कि उनका अपना कुछ भी नहीं दे रिसीव इट फ्रॉम द लॉर्ड बिकॉज़ दे आर मैसेंजर्स वो प्रभु से बातें हैं क्योंकि वो दूत है एंड दे डिलीवर इट टू द पीपल और वो लोगों तक उस समाचार को पहुंचाते हैं देयरफॉर इट्स अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी इसलिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है to be truthful to the word that you receive from the lord and deliver it to the people and secondly we see to whom this this letter was written a church in sardis sardis we see this is the church. We started with Ephesus. <clears throat> we went to Smyrna Pergamum and last time we saw Thyatira, Now we come to this church, Sardis. It was a small town. But it had a rich history. Very, uh, rich. And the people in Sardis were really proud of their grand history. और जो सर्दीज के लोग थे वो एक तरह से बहुत ही इस बात पर गर्व करते थे क्योंकि उनका बहुत इतिहास बहुत ही अच्छा था बट एट वाज राइटिंग चर्चे लेकिन उस समय में प्रथम शताब्दी में जब पॉलुस प्रेरित इन खतों को लिख रहे थे इन कलीसियाओं में सर वाज नॉट गोइंग थ्रू अ गुड टाइम एंड देयर पास्ट वाज एक्चुअली रियली इन हिस्ट्री और जो सर्दीज का जो जगह है वो एक ज्यादा अच्छा समय नहीं था उस समय बट द चर्च इन सर्दीस लेकिन जिस समय ये खत उनको लिखा गया did indeed reflect their past उसमें उनका जो आ, पहले का समय था वो एक तरह से प्रतिबिंबित होता They had a great name in the past हिस्ट्री और उन इतिहास में उनका बड़ा नाम था सो दे ऑल्सो वंस एज ए चर्च इन हैड ग्रेट अचीवमेंट्स और एक कलीसिया सर्दीज में होने के नाते उनकी काफी अचीवमेंट बट नाउ लाइक द सिटी ऑफ सर्डेस लेकिन अब जो शहर है सर्दीज का उसकी तरह द चर्च इन सर्डेस ऑल्सो वॉज डिक्लाइनिंग इन फैक्ट दीस यूज अ मोमेंट इज दैट यू अपीयर टू बी अलाइव सर्दीस की कली से जो इस समय थोड़ी सी गिरती जा रही थी और कुछ क्षण में देखेंगे कि प्रभु कैसे इसका विवरण देते हैं ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज मूल भाषा में सर्दीज का अर्थ है द रिमेन्स बचा हुआ है द रिमेन्डर जो कुछ भी बचा हुआ एंड ऑल्सो इट कुथिंग दैट कैन बी रेस्टोर फ्राम वट एवर रिमेन्स और इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि उसको वापस कैसे जागृत किया जाए जो भी बचा हुआ है एंड द मैसेज दैट कम्स टू द चर्च इन सर्दीस और जो संदेश इस सर्दीस की कलीसिया को मिलता है इज वेरी मच रेलेवेंट टू देयर नेम्स मीनिंग वो उसके नाम से काफी मिलता जुलता है वी विल सी दैट द लॉर्ड प्रेजेस टू दोज हु रिमेन फेथफुल टू हिम एंड टू द गॉस्पल और हम देखेंगे कि प्रभु यशु मसीह कैसी उनकी तारीफ करते हैं कि वो विश्वास में बने हुए हैं नाउ द चर्च सॉरी द सिटी ऑफ सर्डिस कमर्शियल हब बिकॉज ऑफ इट्स लिंकेज टू अदर सिटीज एंड द रिवर्स और ये एक काफी व्यापार का एक स्थल था क्योंकि चारों तरफ से ये घिरा हुआ था देर आर स्पेशली टू इन द हिस्ट्री ऑफ सर्डिस और दो विशेष बातें हैं इसकी इसके इतिहास में की दैट द मैसेज टू सर्डिस एक्चुअली रिवील्स दो हिस्टोरिकल पास टू अस और जो इसका इतिहास है वो हमको कुछ खास बातें बताता है नंबर वन पहली बार इन द सिटी ऑफ सर्डिस सर्दीज के शहर में देर वॉज ए फेमस अप Acropolis or a castle built on a hill. Or castle This Acropolis or the castle or the fort was so powerful that people believed it was impossible to conquer that. But to those that the Greeks considered impossible to conquer. पर ऐसी बातों के लिए जिनको ग्रीक ऐसा सोचते थे कि मुश्किल है इसको विजय पाना वॉज लिटरली खान एंड एटलीस्ट फाइव टाइम्स ये कम से कम पांच बार इसका विनाश हुआ एंड एट मैनी टाइम्स कई बार इट वाज बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस एंड नॉट बीइंग वॉचफुल दैट दिस फोर्ट वाज डिस्ट्रॉय वो इस कारण था क्योंकि ये जो खिला था इसकी इसका ध्यान नहीं रखा गया लोगों ने बड़ी लापरवाही करी इन दिस मैसेज टू चर्च इन सा इसलिए जो ये संदेश है इस कलिसिया का सर्दीस के लिए Jesus calls them to be awake. ये से कहते हैं कि तुम जागृत रहो अदरवाइज देयर स्पिरिचुअल लाइफ माइट आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड लाइक द एक्रोपोलिस ऑफ सार्डिस नहीं तो तुम्हारा वास्तविक जीवन भी उसी तरह से नष्ट हो जाएगा जैसे इस किले का नाश हुआ सेकंडली दूसरी बात सार्डिस वाज फेमस और सार्डिस जो है वो प्रसिद्ध था फॉर ट्रेड इन वुल गुड्स और ऊन के वस्त्रों के लिए ये व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध टू मेक

सर्दीज के कलिसिया के दूध को यह लेर दर्ड्स ऑफ हिम हु सेवन स्पिरिट्स ऑफ गॉड एंड द सेवन स्टार्स जिसके पास सात आत्माए सात तारे हैं द सेवन स्पिरिट्स ऑफ गॉड जो सात आत्माएं है परमेश्वर रिप्रेजेंट द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट वो परमेश्वर की पूरी भरपूरी का नाम को बताते दी इज दॉ हीज डिवाइन ही हैज ऑल द स्पिरिट्स ट यू कैन थिंक ऑफ द फुलनेस ऑफ द स्पिरिट और इसमें पवित्र आत्मा की आत्मा की जो पूरी भरपूरी है वो इसमें पाई जाती है नंबर सेवन इन द बाइबल रेप्रेजेंट कंप्लीटनेस परफेक्शन और जो सात नंबर है वो एक तरह से सिद्धता को पूर्णता को बताता है एंड ही हैज द इनफिनिट पावर ऑफ द होल स्पिरिट और इसमें हमेशा का जो सामर्थ है पवित्र आत्मा में पाई जाती है बिकॉज़ ही हैज़ द सेवन स्पिरिट्स ऑफ गॉड क्योंकि इसमें परमेश्वर की सात आत्माएं हैं देयरफॉर व्हाटएवर इज नीडेड इसलिए जो कुछ भी आवश्यक है फॉर योर होलीनेस आपकी पवित्रता के for लिए फॉर माय सेंटिफिकेशन मेरी पवित्रता के for लिए फॉर द फॉरगिवनेस एंड क्लेन्सिंग ऑफ माय सिंस मेरे पापों की क्षमा के लिए और uh, Is possible through Jesus Christ alone, who has the seven spirits or the yeah. fullness of Godhead. वो केवल प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है क्योंकि उसमें सात आत्माएं और सात तारे क्रिस्टियन दीज डेज आर रनिंग ट्राइंग टू फाइंड दिस थिंग और दैट थिंग इन दिस रिलीजन और दैट रिलीजन इन दिस फैड और दैट फैड और इन दिस पॉपुलर कल्चर पॉप कल्चर और दैट पॉपुलर कल्चर आजकल मसीह लोग इधर उधर भाग रहे हैं अलग अलग संस्कृति के लिए अलग अलग कलिसियाओं के लिए अलग अलग लोगों के लिए Somebody is trying to find a Messiah who will save them and their country in a particular political leader. Some other people are trying to find their Messiah or somebody who will give them direction and salvation in a singer or a pop leader. और कुछ लोग मसीहा को ढूंढ रहे हैं किसी सिंगर में या कोई और लीडर में सम बड़ी स्ट्राइंग टू फाइंड लीडर और कॉन्सोलेशन इन न्यू एज और इन योगा और दिस रिलीजन और दैट रिलीजन और नो रिलीजन है ऑल टूगेदर

टाइम और जो उनकी जरूरत के मुताबिक है

सफाई के लिए पवित्रता के लिए जो आपको जरूरत है द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड ऑफ दीज चर्चेस जो प्रभु यीशु मसीह जो इस कलिसिया का प्रभु है? हैज स्पिरिट्स ऑफ गॉड जिसमें परमेश्वर की सात सेवन स्टार्स दैट इज द शाइनिंग ब्राइट stars दैट कैन bring लाइट टू दिस वर्ल्ड जिसमें सात तारे हैं और जो इस जीवन इस दुनिया में रोशनी ला सकते हैं वो उसके पास हर एक वो चीज है जो आपकी जरूरत के मुताबिक ट्रस्ट हिम एंड ही शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स एज ही हैज डन इन द पास्ट आप भरोसा करें जैसा उसने पहले आपकी जरूरतों को पूरा किया वो आज भी करेगा सो वी सी नेक्स्ट इज द थर्ड थिंग द कमेंडेशन ऑफ द चर्च एट सर्डिस और तीसरी बात हम देखेंगे कि वो

वो इस तरह की इस तरह के जैसे जो कलीसिया है सारदीज के विषय में जिन जिनके लिए तो दिखाई तो देते हो यू अफियर टू वर्ल्ड बिजी इन प्रोग्राम एक्टिविटीज एंड दिस थिंग और दैट थिंग इज गोइंग ऑन और पूरी दुनिया के लिए तुम अपने आप को दिखाते हो कि तो तुम बहुत व्यस्त हो the contemporaries of this church the people around this church thought that they were alive and they were growing church and they were doing great things for the lord और इनके आसपास के लोग सोच रहे थे कि ये तो बहुत जीवित है क्योंकि ये बहुत से प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत से कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपनी भेदने वाली आंखों के साथ इस कलीचिया को देखते हैं he tears the, down that appearance. तो प्रभु यीशु मसीह उनके उस दिखावे को जैसे फाड़ देते हैं। he है। strips away the show of the appearance from them. और उनके दिखावे को और जो कुछ भी वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को उसको एक तरह से खुल्लम खुल्ला कर देते है बाई डिक्लेयरिंग दैट यू आर रियली डेड ऐसा घोषणा करके कि तुम तो मरे हुए हो स्पिरिचुअली आत्मिक तौर से

There is a brightness that comes no. through and uh, pierces through these appearances, and he sees that you are actually dead. Next, Jesus says that you have still a few inside who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. चौथी आयत में लिखा पर हाँ सर्दीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं तो ये चौथी आयत में यही एक थोड़ी सी बात है जिसके लिए प्रभु कुछ लोगों की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनके जो वस्त्र हैं वो किसी रीति से अशुद्ध नहीं किए एंड वर दे बी प्रेज फॉर और उनकी तारीफ किस बात के लिए की जा रही है दो दे मे बी फ्यू चाहे वो कुछ ही हों. That their, their, their clothes have not been soiled or in other uh, translation it says that they have not defiled their garments or so in those days the garments uh, uh, or the stains on the garments were considered as sins और उस समय में जो ये वस्त्र थे और किसी प्रकार का उसमें धब्बा होता था तो उसको पाप की तरह देखा जाता दी सोल्स आर सोल्स इन द बाइबल और हमारी आत्मा जो वचन में पाई जाती है is considered एज wearing द गारमेंट और द रोब ऑफ होलिनेस और हमारी आत्मा के लिए बोला गया है कि जैसे हमने पवित्रताई का एक वस्त्र पहना हुआ है एंड एनी सिंस और ईवल दैट वी मे इवेन असोसिएट विद वी मे नॉट कमिट इवन इफ वी असोसिएट विद एनी ईवल और सिंसफुल थिंग्स और हमारे जीवन में यदि हम किसी भी प्रकार का जो पाप है चाहे वो करें भी ना लेकिन हम उसके अंदर संदर्भ में आते हैं देन द स्टेन्स विल बी ऑन आवर क्लीन एंड वाइट गारमेंट्स तो उसके धब्बे हमारे श्वेत वस्त्र पर जो धार्मिकता के हैं उस पर दिखाई देंगे एंड दो स्पॉट्स दो स्टेन्स आर नॉट गुड और वो जो धब्बे हैं वो अच्छे नहीं है The other day I was uh, trying to go to a funeral. और एक कुछ दिन पहले मैं फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था एंड आई ब्रॉट आउट वन ऑफ माय बेस्ट शर्ट्स और मैंने एक अपनी अच्छी एक शर्ट निकाली एंड आई वाज अबाउट टू लीव एंड देन आई वाज ड्रिंकिंग समथिंग समथिंग और और सम फेल पीनट बटर अ ड्रॉप ऑफ पीनट बटर फेल राइट हियर और मैं निकलने की तैयारी में था और एक छोटा सा ड्रॉप पीनट बटर का उस पर गिर गया एंड आई ट्राइड टू वॉश इट ऑफ Because I didn't want to go uh, in the public uh, that people will see the stain on my shirt. Now, after washing, it was wet, the, that little spot, so I ironed it. And the spot would not go because there is oil in peanut butter, if you realize. So I had to throw that shirt away, not literally, but for <laughs> a later time to wash it and had to put on a new shirt because the stains is something that you don't like on your garment, especially when you are out in public.

Uh, acceptable before God. Those little sins, those little habits, those little stains, Jesus mm -hmm. says that you should not be found with those st stains in your life, in your holy, holy walk with the Lord. Because if you have not soiled, क्योंकि यदि हमने उसको अशुद्ध नहीं किया द प्रॉमिस इज सो अमेजिंग तो जो उसके साथ जो वायदा जुड़ा हुआ अच्छा है। वॉक विद जीसस क्राइस्ट क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे ड्रेस्ड इन व्हाइट सफेद श्वेत वस्त्र माय फेवरेट कलर और जो हमारा सबसे दिलचस्प इफ आई कैन कीप इट आउट ऑफ स्टेट यदि मैं उसको बिना के आई वुड लव टू वेयर अ शर्ट डे फॉर एवरीथिंग तो मैं हर एक समय के लिए हर एक समय अपने सफेद शर्ट पहनूंगा जीसस इज गोइंग टू रोब अस विद वाइट गारमेंट्स बिकॉज द स्टेनफुल गारमेंट्स ही डजंट लाइक ही वांट्स व्हाइट मीनिंग होली सेंटिफाइड प्योर एंड दैट इज एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड और प्रभु यीशु मसीह चाहता कि हमारे जो परमेश्वर ने जो हमें धार्मिकता का श्वेत वस्त्र दिया है उसमें कोई भी धब्बा ना हो क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है इसलिए जीसस सेज द क्रिटिसिज्म नाउ ऑफ द सार्डिस चर्च इज इन वर्स 1 एंड 2 अगेन द सेम थिंग दैट दे आर डेड एंड ही कॉल्स देम टू वेक अप एंड स्ट्रेंथन और जो उनकी जो आलोचना की जाती है सारदीस की कलिसिया की वो ये है कि तुम तो मरे हुए हो और तुम्हारे काम जो है वो पूरे नहीं है और तुम्हें जागृत होना है एंड नेक्स्ट थिंग इज सेज आई हैव नॉट फाउंड योर वर्क्स कंप्लीट और uh, दूसरी बात जो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कामों को पूरा नहीं पाया दे स्टार्टेड ऑफ गुड तुमने शुरू तो अच्छा किया दे इंटेंशंस आर ग्रेट तुम्हारी सोच तो अच्छी थी बट दे लेफ्ट इट ऑन द वे परंतु तुमने आधे रास्ते में ही छोड़ दिया दे डिड कंप्लीट इट पूरा नहीं salvation available अवेलेबल इन Christ। उन्होंने पूरा उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है सम पीपल लाइक टू हियर द gospel stories। कुछ लोगों को सुसमाचार की कहानियां पसंद दे लाइक द मोरल टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड Jesus क्राइस्ट उनको यीशु की नैतिक शिक्षाएं पसंद इज a ग्रेट गुरु फॉर them। वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा गुरु टीचर फॉर देम एक अच्छा शिक्षक है उनके he healing, और वो उनके लिए मुफ्त की हीलिंग भी करता है, और वो उनको प्रार्थनाएं भी देता है But then as they start walking with Jesus they find that Jesus also demands certain things So they give up on the way they don't go fully to the Lord Jesus Christ to get his forgiveness of sins and the salvation that he brings only Jesus can provide

वो कहते हैं तुम जागृत हो जाओ रिमेम्बर दे मस्ट बी वेकअप मीन दे शुड बी अलर्ट और इसका मतलब ये है कि उनको चेतना है Their history was उनका इतिहास ये था that whenever they were asleep, कि जहां भी वो जब भी वो सोते whenever थे, they were not conscious, cautious, और जब भी वो जागृत नहीं होते थे Somebody came from outside and conquered their acropolis, their castle, their their forts. और जब भी वो जागृत नहीं थे, तभी किसी ने उनके uh, uh, In the spiritual life as well, my dear friends, when we are surrounded by so many distracting things in this world, Jesus asks through Sardis to you and to me today to be awake, to wake up from our slumber.

Uh, stained, you may have some sin in your life, but you know what? I see it, mm -hmm. and yet I mm -hmm. want to give you an opportunity to repent. Mm -hmm. प्रभिषु मसीह उनको मौका देते हैं कि जागृत हो जाओ अपने आप को तैयार करो याद करो और उसको थामे रहो लेकिन यदि अगर हम 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 सोचते हैं हैं कि ये हम तो बहुत बुरे आंखों में वो हमको मौका देता है पर करो। जो कुछ भी बचा हुआ जैसे कुछ लोग कलीसियाओं में जिनके वस्त्र अशुद्ध नहीं थे इन दर्ल्ड टूडे इस पूरी दुनिया भर में,

क्या तुम जागृत हो गए और देखोगे तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है व्हाट एवर रिमेन्स और जो कुछ भी बचा हुआ है व्हाट एवर इज गुड जो भी भला है होल्ड ऑन टू इट उसको थामे मे नॉट ओनली होल्ड ऑन टू इट ना केवल थामे मेरे बट स्ट्रेंथन इट लेकिन उसको मजबूत कर मेक योर लाइफ स्टे ऑन इट टू बी टू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ और अपना जीवन को ऐसा बना ले कि अपने आप को स्थिर और मजबूत और मजबूत बनाता जाए। योर टू फॉलो जीसस क्राइस्ट और जो तुमने माना है यीशु को पीछे चलने के लिए शुड नॉट बी वीक इन दीज डेज बट दे शुड बी वो किसी भी रीति से इन दिनों में कमजोर ना हो लेकिन बढ़ते जाए मजबूती पकड़ते जाए एंड थिंग्स ऑफ दिस World, like the waves of the sea, should not make you fumble and feeble, but hold on to the ropes that is found in the Lord Jesus Christ and in His gospel. The zeal, the love, and the passion that you had for the gospel and for the Lord Jesus Christ. Hold on to that and strengthen in that. Remember the things that you have learned since you started to walk with the Lord Jesus Christ. Keep them. Remember them. Obey them. And repent of whatever may be found wrong. और उस बात से पश्चाताप करें, माफी मांगे जो भी गलत है एंड यू नो और आपको याद होगा वचन में लिखाया में। तीसरी आयत यदि तुम uh, जीवित ना रहो, I will come like a thief, तो मैं एक चोर की तरह आऊंगा एंड यू नॉट नो एट वॉट आर आई यू तो तू कदापि ना जान सकेगा मैं किस तुझ पर आ प्रभु मेरे और आपके विरोध में आ सकता है? कितनी खतरनाक बात होगी यदि हम परमेश्वर के हाथों में पड़े होल वर्ल्ड में चाहे पूरी दुनिया मेरे विरोध में हो। आई डोंट केयर मुझे इसकी चिंता नहीं बट आई डोंट वॉन्ट गॉड माई क्रिएटर टू बी अगेंस्ट मी

तो इसलिए हम उस चेतावनी को ध्यान से सुने जो हमको सर्दीस के द्वारा मिलती and the है है और आ, जो हमको मिलता वो ये है। Yet you have still a few names in पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं I want to be called worthy to walk with Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रभु के सामने योग्य सम सेलिब्रिटी और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स और कई लोग राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर या बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर काफी अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। वर्ल्ड टू सी और वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डालते हैं ताकि पूरी दुनिया उनको देखे। There is nothing wrong with कुछ गलत नहीं। But what an amazing feat it would be that you will be able to walk तो with the Lord Jesus Christ dressed in white, super fine white shining clothes। Amen। लेकिन कितनी सुंदर बात होगी, दृश्य होगा जब आप रवि यीशु मसीह के साथ श्वेत वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहने हुए उसके साथ होंगे। And

कि कहते हैं मैं तुम्हारा नाम अपने पिता के सामने। हम केवल प्रभु के साथ चलेंगे इमेजिन दिस विद मी फॉर ए मोमेंट आप कब करें एक क्षण के लिए मेरे साथ योर गारमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड अवे फ्रॉम यू यू आर ड्रेस्ड इन सुपर फाइन Heavenly clothes? क्या ये शरीर के जो शारीरिक वस्त्र है वो आपके आपसे ले जाकर पवित्र श्वेत वस्त्रों में आप प्रभु के साथ है लोर्ड यू इन व्हाइट सुपरफाइन क्लोथ और प्रभु ने आपको श्वेत पवित्र वस्त्रों में ढांप लिया यूर walking with Him. और आप उसके साथ चल रहे हैं यू टेक प्राइड वॉकिंग of मिनिस्टर or ऑफ दिस और हम गर्व महसूस करते हैं जब हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ चलते हैं। इमेजिन वॉकिंग विद किंग ऑफ Kings, लॉर्ड ऑफ lord of एंड द क्रिएटर Creator, द लॉर्ड Jesus क्राइस्ट आप कल्पना करें कि आप प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा के साथ

आ, देख रहा हूँ कि मैं अनंत जीवन प्रभु के साथ क्रिएटर और जब मैं अपने रचेता परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ माई लाइफ बुक इज ओपन और जब जीवन की पुस्तक मेरे सामने खोली आई वॉन्ट ए लॉयर हु इन फ्रंट ऑफ द क्रिएटर तो मैं चाहूंगा कि मेरा आ, अ, and my Jesus promises me, that I will stand there and I will confess your name before my Father. Allo, Allo, when Allo, Allo. Jesus says, He is washed, He is cleansed, there is nothing against Him cancel everything against him. Hallelujah. nothing, no one can stop it. hallelujah. hallelujah. he who has an ear, hear what the spirit is saying to the churches today. hallelujah, my dear hallelujah. friends. are you aware of the defilements today in your life, in my life, in the church? आज क्या मेरे मित्रों आप इस बात से आगाह हैं कि आपके जीवन किसी प्रकार से अशुद्ध तो नहीं किया गया व्हाट आर यू डूइंग टू रिमेन होली टू प्योर रिमेन प्योर एंड अनडिफाइल्ड अंटिल द कमिंग डे ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आज आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर रहे हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के आने तक आप पवित्र और शुद्ध और पवित्र बने रहे आर वी लुकिंग फॉर द आउटवर्डली और आर वी लुकिंग फॉर फॉर होलीनेस एंड एंड प्योरिटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर इटर्निटी क्या हम अपने जीवन में केवल बाहरी रूप से दिखावा देख रहे हैं चाह रहे हैं या हम पवित्रता और शुद्धता को अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं मे द लॉर्ड ब्लेस थ्रू दीज वर्ड्स परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे आइए प्रार्थना करें